सो हेलो कार, आज हम खड़े हैं 2013 मॉडल फॉर्चुनर के सामने। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है गाड़ी की सामने से। सामने की बात करें तो सामने की तरफ हमें यहाँ पर हेलोजन देखने मिल रहा है, एंड यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर इसमें हेलोजन में इंडिकेटर्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर हेलोजन देखने मिल रहा है फॉग लैम्प्स में। सामने की ग्रिल में बड़ा सा टोयोटा का लोगो देखने मिल रहा है, यहाँ पर ग्रिल देखने मिल रही है, यहाँ पर काफ़ी गर्म है। ठीक है, ये सबसे फेवरेट फेक मिरर जो रहता है फॉर्चुनर का। टायर्स की बात करें तो टायर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े टायर देखने मिल रहे हैं। टायर्स की अगर मैं इंचज़ की बात करूँ तो 17 इंच एलॉय व्हील्स देखने मिल रहे हैं गाड़ी के। ठीक है, एंड ORB हमें इंडिकेटर देखने मिल रहे हैं, एंड यहाँ पर डोर में हमें क्रोम में डोर हैंडल देखने मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ना प्रीमियम गाड़ी देखने मिल रही है, 2013 के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हेलोजन में ही पीछे की ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट एंड पार्किंग लाइट देखने मिल रही है। पीछे ये फॉर्चुनर की बैजिंग, यहाँ पर टोयोटा का लोगो, यहाँ पर जो है इसका पीछे वाइपर देखने मिल रहा है, यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप। ठीक है, सेंसर्स नहीं है पीछे, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है। ठीक है, सो पीछे की डोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो फॉर्चुनर की बैजिंग है सब आफ्टर मार्केट है, एंड डोर ऐसा कुछ आ रहा है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा डोर है, यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर जो है इसका सिल्वर में अंदर से हैंडल देखने मिल रहा है, एंड यहाँ पर पावर विंडो का बटन, नीचे स्पीकर, यहाँ पर बॉटल होल्डर। एक बार मैं गाड़ी में बैठ के देख लेता हूँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पैर रखना पड़ेगा, एंड उसके बाद देखो चढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ऊँची गाड़ी है। तो देख लेते हैं ओल्ड जनरेशन फॉर्चुनर, तो मतलब अच्छी है, बढ़िया लग रही है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल का ऑप्शन है जो कि स्टेबल ही रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर AC के वेंट्स हैं, यहाँ पर भी रूफ लैंप है, इसको हम खोल लेते हैं। जलता नहीं अंकल जी? नहीं, ख़राब है। अच्छा ठीक है, पीछे भी है, तीन रूफ लैंप है गाड़ी में। यहाँ पर AC की कोई कमी नहीं दी गई, काफ़ी केबिन इसका ठंडा रहेगा। यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर इसका ये इसमें कुछ भी हमें रखने का स्टोरेज एरिया नहीं है, बट ठीक है, आर्मरेस्ट ही कह लूँ। ठीक है, ऐसे पीछे से कुछ ऐसा केबिन आता है आगे का। ठीक है, एंड पीछे भी काफ़ी अच्छी स्टोर मतलब स्पेस देखने मिल रही है। पीछे दो लोग आराम से आ जाएंगे, एंड यहाँ पर चार लोग आराम से आ जाएंगे, एंड आगे भी दो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी ना ये वुडन डिज़ाइन कह लो अच्छी खासी करी गई है। तो चल लेते हैं आगे, चल लेते हैं बंद। सो यहाँ पर बैठ के देख लेते हैं। तो इस डोर की बात करें तो वो भी सेम ही है, यहाँ पर ये पकड़ने का है, यहाँ पर भी वही वुडन डिज़ाइन, ट्विटर का ऑप्शन, नीचे स्पीकर, यहाँ पर बॉटल होल्डर। ठीक है, यहाँ बैठ के देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी पैर रखना पड़ेगा, तो इसमें तो पहले यहाँ पकड़ो, फिर यहाँ, फिर इसके बाद बैठना पड़ेगा, बिकॉज ऊँची गाड़ी है। एयरबैग की बैजिंग है सामने, यहाँ पर AC के वेंट्स हैं। ठीक है, एंड ये तो इसमें कुछ कफ वगैरह रखने के लिए स्टोरेज मतलब इसे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वैनिटी मिरर का ऑप्शन है, लैम्प्स के साथ नहीं आता इसमें, एंड यहाँ पर जो है ग्लब बॉक्स। ठीक है, ऐसे कुछ आती है मतलब यहाँ की वुडन डिज़ाइन, यहाँ पर इसका डिस्क। ठीक है, ये आती है ऑटोमेटिक में, एंड यहाँ की बात करें थोड़ा सा ओल्ड है, बट ठीक है, उस हिसाब से तो ऐसे ही आता था। चार्जिंग पोर्ट है, स्टोरेज एरिया ऐसा, यहाँ पर आर्मरेस्ट है, इसमें भी स्टोरेज है अच्छी खासी। तो यहाँ की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर चार पावर विंडो के कंट्रोल हैं, ORBM की कंट्रोल। ठीक है, तो बैठ लेते हैं, यहाँ पर भी वही सेम मेथड से ही बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही सिल्वर में डिज़ाइन है, यहाँ पर क्लोथ। ठीक है, एंड ऐसे कुछ आता है गाड़ी का स्टेयरिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना भारी है, लॉक हो गया। ठीक है, वो ऐसे कुछ आता है इसका। ठीक है, इसमें 200 फुल स्पीड देखने मिल रही है, एंड जो न्यू जनरेशन फॉर्चुनर है उसमें हमें 220 देखने मिलती है, तो कुछ खास है नहीं। गाड़ी के हॉर्न की बात करें तो कुछ ऐसा आता है, बहुत छोटा सा होना है, ठीक है। एक बार इंजन नॉइज़ की, ऐसा कुछ आता है इंजन नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा ना मतलब भारी इंजन है गाड़ी का, नॉइज़ भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। बोनेट ब्लेजिबल है, बंद कर दीजिए। IRVM इसमें डे नाइट वाला आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसी कुछ थी। तो चल लेते हैं बाहर, एंड वीडियो कर लेते हैं एंड। सो गाइस, ये थी 2013 मॉडल फॉर्चुनर। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।